वेल दोस्तों, फाइनली रेडमी नोट 11s डिवाइस में एंड्रॉयड 13 बेस्ड MIUI 14 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को इंडियन यूजर्स के लिए ऑफिशियली यहाँ पर रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया है। सभी कुछ आगे वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, एंड अगर आप लोगों को इन फ्यूचर में भी इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो। वेल दोस्तों, रेडमी नोट 11s डिवाइस में MIUI 14.0.1.0 TKEINX में स्टेबल अपडेट को इंडियन यूजर्स के लिए ऑफिशियली यहाँ पर रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया। और अगर हम लोग यहाँ पे इस अपडेट की साइज की बात करें तो 3.3 GB यहाँ पे इस अपडेट का साइज देखने को मिला है। साइज यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा देखने को मिला है, तो आप लोगों को यहाँ पे वाईफाई का हेल्प लेना पड़ सकता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दोबारा बता दूं कि ये जो अपडेट है स्टेबल अपडेट है। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं कि इस न्यू अपडेट के बाद आपके डिवाइस में क्या कुछ नए फीचर्स यहाँ पे देखने को मिला है। देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो आपके डिवाइस के सिक्योरिटी में मई 2023 के मंथ का लेटेस्ट यहाँ पे सिक्योरिटी पैच को प्रोवाइड किया गया है। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं कि इस न्यू अपडेट के बाद आपके डिवाइस में क्या कुछ नए फीचर्स यहाँ पे देखने को मिला है। देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो आपके डिवाइस के सिक्योरिटी में मई 2023 के मंथ का न्यू सिक्योरिटी पैच को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। हालांकि अभी जून 2023 का मंथ स्टार्ट हो गया है, सो अगर हम लोग 2023 का मंथ भी यहाँ पे मिड तक पहुँच गया है, तो अगर हम लोगों को यहाँ पे लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता जून 2023 के मंथ का तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे मई 2023 के मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको इस न्यू अपडेट के बाद MIUI मैसेजिंग ऐप का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इस न्यू अपडेट के बाद न्यू लेआउट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। MIUI 14 का यहाँ पे लोगो देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे सेटिंग्स में एडिशनल फीचर में स्पेशल फीचर का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस में इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी, तो आपके डिवाइस के सिस्टम सिक्योरिटी को इस न्यू अपडेट के बाद और भी ज़्यादा इंप्रूव किया गया है। साथ ही सिस्टम में ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम परफॉर्मेंस, तो दोस्तों इस MIUI 14.0.1.0 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस के परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है, तो डेली टास्क में मल्टीटास्किंग में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे इस न्यू अपडेट के बाद गेमिंग सेक्शन में भी ऑप्टिमाइज्ड किया गया है, तो यहाँ पर गेमिंग में भी पहले के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ पे आपको इस न्यू अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद न्यू वॉलपेपर्स भी देखने को मिल जाएंगे। MIUI 14 के न्यू वॉलपेपर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। वैसे दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिला है या फिर नहीं। और अगर आप लोगों को ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को नहीं मिला है, तो अराउंड आप लोगों को यहाँ पे 7 डेज का वेट करना है। 7 डेज के अंदर अंदर आप लोगों को ये जो अपडेट है आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, बस यही सभी लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आई थी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दिया हूँ। एंड ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी दोस्तों, आप चाहे तो मुझे ट्विटर, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम तीनों में ही फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।